पब्लिक टॉयलेट यूज किया आपने? जी बिल्कुल यूज किया है। तो वहाँ लोग कैसी गंदी गंदी बेहुदा बेहुदा बातें लिखते हैं, तो आपको कभी कोई सीन मिला है वहाँ पे? जी जरूर मिला है, क्या मिला है? वहाँ पन्ना पर लिखा हुआ था ऐशा का, और मैंने मिलाया और खुसरे के पास जा मिला। पब्लिक टॉयलेट में लोग किस तरह की बेहुदा गंदी बातें लिखे होते हैं, कभी कोई मिली है? वो हम लोग ही लिखते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। पब्लिक टॉयलेट भी यूज किया है आपने? जी यूज किया है। तो कभी कोई गंदी बात मिली आपको लिखी हुई बेहुदा? किस तरह की लोग बातें लिख देते हैं? एक दफा यूज कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था लगा दम मिटा गम। कौन सा गम मिटाने की बात हो रही है? अब ये तो वही जानते जिसने लिखा था कि कौन सा गम है, अंदर का गम है कोई और सा गम है? अंदर का। तो ये जो लिखते हैं गंदी गंदी बातें, इनके बारे में कुछ कहोगे आप? भाई ये इनके बारे में कि इनको कुछ सोचना चाहिए, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। पब्लिक टॉयलेट यूज किया आपने? जी बिल्कुल यूज किया है। तो वहाँ लोग कैसी गंदी गंदी बेहुदा बेहुदा बातें लिखते हैं, तो आपको कभी कोई सीन मिला है वहाँ पे? जी जरूर मिला है। क्या मिला है? वहाँ पन्ना पर लिखा हुआ था ऐशा का, और मैंने मिलाया और खुसरे के पास जा मिला। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसा खुसरे को कॉल मिल गई? जी उसको मिल गई। वो बोल रहा है जी भाई क्या काम है बताओ ये वो। मैंने कहा भाई टॉयलेट पन्ना पर लिखा हुआ था आपका, तो इसीलिए मैं वो हो गया। टॉयलेट में लोग कुत्तों के नंबर लिख लिख के आ रहे हैं। हाँ, लिख के लेके आ रहे हैं। यार कभी पब्लिक टॉयलेट यूज किया आपने? मैंने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पब्लिक टॉयलेट में लोग किस तरह की बेहुदा गंदी बातें लिखे होते हैं, कभी कोई मिली है? वो हम लोग ही लिखते हैं। मैंने भी लिखा है। क्या लिखा है? मैंने भी ऐसी चूतिया पर हरकत बाहर किया करो, अंदर नहीं किया करो। लोग लिख देते टेलीफोन नंबर वगैरह, ये मेरी आपी का नंबर है, इसमें बात करो इसमें बात करो। हम लिखते हैं भाई तेरी आपी बारी का हमारे को ही दे। बड़ा हरामी हो बेटा। ये सारी बातें तुम लिखते हो? हाँ ये मैं लिखता। भाई इस बंदे को पहचानो, ये बंदा है जो टॉयलेट के अंदर गंदी गंदी बातें लिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही है लिखने वाले। जब क्या करें, माँ बाप शादी नहीं कराएंगे तो टॉयलेट से काम गुजारा करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जो लोग पब्लिक टॉयलेट के अंदर गंदी गंदी बेहुदा बातें लिख लेते हैं, तो आप कभी पब्लिक टॉयलेट आपने यूज किया है? जी करे। तो कुछ लिखा हुआ मिला आपको? हाँ एक दफा यूज किया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि लोग दुनिया चांद पे पहुंच गई है तो अभी तक यहीं बैठा हुआ है। जो ये बातें लिखते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि उनसे इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए उन्हें। तो किस तरीके से लिखना चाहिए? किसी तरीके लिखना ही चाहिए ना। पब्लिक टॉयलेट में कैसी गंदी गंदी बेहुदा बातें लिख देते हैं, तो आप कभी पब्लिक टॉयलेट में गए, आपको कुछ लिखा हुआ मिला है? हाँ पब्लिक टॉयलेट में तो सब जाते हैं, मैं भी गया था लेकिन फंस गया था गलती से। तो क्या लिखा हुआ था? उसपे लिखा हुआ था पीछे दीवार के, इतना जोर लगा कि कश्मीर आजाद हो जाए। तो कश्मीर टॉयलेट में आजाद होगा क्या? वो तो लिखने वाले को पता होगा ना, हमने तो पढ़े। अभी एक ने लिखा कि इतने चराग रगड़ तो नीचे से जिन निकलेगा। चराग रगड़ नीचे से जिन निकलेगा। ये कौन सा जिन निकाल रहा है भाई? ये होता है, आपने नहीं देखा? एक होता है हाँ, ऐसे जिन देखने भी नहीं। हाँ देखना भी नहीं। पब्लिक टॉयलेट के अंदर गंदी गंदी बेहुदा बदतमीजी वाली बातें लिख देते हैं, तो आप कभी पब्लिक टॉयलेट में गए? हाँ। तो कुछ लिखा हुआ मिला आपको? उसमें लिखा होता शकाला का बूम बो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो नहीं जानते मगर लिखा होता है उसमें। ये कौन सा शकाला का हो रहा है वहाँ पे? बस छोड़ो क्या बताऊं। तो अच्छा जो लिख रहे हैं उनके बारे में क्या बोलोगे? जो लिखते हैं उसको बोलो और भी लिखो।